तो दोस्तों डेट पीएसबी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अंडर प्रोसेसिंग है। काफ़ी सारी पोस्ट कोड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल भी रही है और कैंडिडेट को कुछ कुछ जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वही मेन प्रॉब्लम है जिसको डिस्कस करने के लिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस शो करने वाला हूँ जो कि आज ही की डेट में रिलीज़ किए गए हैं। देख सकते हैं TGT हिंदी फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट कोड 141/17 और जो दूसरा रिजल्ट नोटिस दिखाने वाला हूँ उसी पोस्ट कोड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आज ही मेरे एक फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी NCL के रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, देखिएगा। बाकी ये रिजल्ट नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी रिजल्ट की दिया हुआ है कैटेगरी वाइज और रोल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, इनको कब अपना नॉमिनेशन फिल करना है, डेट भी मेंशन की गई है यहाँ पर। सो देख लीजिएगा एक बार। मैं स्विच करता हूँ सेकंड रिजल्ट नोटिस के ऊपर। ये है दोस्तों वो सेकंड नोटिस जो आज की डेट में रिलीज़ किया गया है। ये भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है, आप देख सकते हैं डेट। फार्मासिस्ट की ये पोस्ट थी, पोस्ट कोड 2/18। इस पोस्ट कोड के लिए आज मेरे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो क्या था इशू मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 2/18 है, कहने का मतलब ये जो पोस्ट रिलीज़ की गई थी वो 2018 की पोस्ट थी जिनका अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है और उससे पहले एक जो इनिशियल इनका रिजल्ट आया था उसमें मेरे फ्रेंड को सिलेक्शन मिला था। सो उसका आज की डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। वहाँ पर जब वो गए तो उनको एक प्रॉब्लम फेस ये करनी पड़ी कि जो NCL होता है, OBC NCL होता है, वहाँ उसके पास था October 2019 का NCL बना हुआ जो कि आज की डेट में भी वैलिड होता और उनको वैलिड करना चाहिए था, क्योंकि ये अगर एक साल की बात की जाए कि भाई एक साल तक वैलिड होता है तो फाइनेंशियल ईयर में वो ख़त्म भी हो गया होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो अंडर प्रोसेसिंग है नई चीज़ें बनना क्योंकि COVID-19 की वजह से चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं। लेकिन वहाँ पर जो ऑफिशियल्स NCL मांग रहे थे उन्होंने उसको क्या बोला कि भाई हमें 2018 का NCL चाहिए। कब का NCL चाहिए? 2018 का। और ये 2018 में कब का? जब ये एप्लीकेशन फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट एंड पोस्ट कोड रिलीज़ की गई थी उससे 6 महीने पहले या उससे 6 महीने बाद का NCL उन्होंने उससे मांगा, जो कि मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं कह सकते आप उस चीज़ को, मतलब वैलिड है या नहीं है वो तो ऑफिशियल ही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से उन ऑफिशियल्स को इस बात की जानकारी शायद नहीं थी कि जो NCL होता है वो अपने आप में मोस्ट रिसेंट वैलिड होता है। कहने का मतलब OBC सर्टिफिकेट आपका पुराना हो सकता है, जो OBC सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन डेट से पहले का होना मैंडेटरी होता है एज़ पर DTPSB गाइडलाइंस, लेकिन NCL मोस्ट रिसेंट भी चल सकता है, इससे पहले भी जो वार्डर का हुआ DTPSB वार्डर या मेट्रोन के एग्जामिनेशंस हुए उसमें भी ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी और वो कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनका खुद प्रूफ मेरे पास है, ठीक है। अभी भी जो टीचिंग के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी ईडोजियर फिल किया है, वो सभी कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको प्रीवियस ईयर का NCL चाहिएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल गलत थी, उनको 2019 वाला जो एक्सेप्ट करना चाहिए था NCL, और अभी भी मैंने उनको यही बोला है जो फ्रेंड है एक, अगर एक इसका सोल्यूशन के तौर पर बात की जाए तो कि भाई अपनी एक एप्लीकेशन बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अटैच कीजिए, OBC का सर्टिफिकेट जो पुराने NCL इनिशियली है आपका और 2019 वाला है, और क्योंकि ये केस अंडर रिवेन्यू डिपार्टमेंट है सो आप रिवेन्यू डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को और फिजिकल वेरिफिकेशन में उनको आप सबमिट कर दीजिएगा, तो शायद वो चीज़ें ठीक हो जाएं और आई थिंक ये एक बिल्कुल वैलिड सॉल्यूशन होगा। बाकी रही बात इस पोस्ट कोड की और ये नोटिस के, सो ये दोनों नोटिसेज आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको इस प्रॉब्लम से कुछ सीखने को मिले और आपके साथ अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपसे वो मिस्टेक ना हो एटलीस्ट, ठीक है, आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए ये चीज़ें मैंने डिस्कस की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।